हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज आज का वीडियो जो स्पेशली उन यूजर्स के लिए जो देखने को मिलने वाला है, खास करके सिर्फ और सिर्फ कि जिनके फ़ोन के अंदर जो गाइज कोई भी न्यू अपडेट आया है और उसके अंदर जो बैटरी परफॉर्मेंस वाला जो है न्यू फीचर जो इनेबल नहीं हुआ। जी हाँ गाइज, क्योंकि यार काफ़ी लोगों के मेरे लिटरली यार पुराने वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ में देख सकती है जो Redmi Note 9 Pro है और इसके अंदर जो गाइज एक न्यू अपडेट आया था MIUI 12.5.4.0 वाला, तो उस अपडेट के अंदर जो ये बैटरी परफॉर्मेंस वाला जो फीचर इनेबल हो चुका है ऑटोमेटिकली, जो कि कंपनी की तरफ से ही इनेबल किया गया है। क्योंकि मैंने इससे पहले यार ट्राई किया था कुछ सिक्योरिटी ऐप्स की मदद से या फिर बैटरी कुछ एप्लीकेशन होती है उसके मदद से इसे इनेबल करने के लिए, लेकिन ये जो इनेबल नहीं होता है गाइज, ये जो यार कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर जो इनेबल करके आप लोगों को अपडेट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये जो मेरे फ़ोन के अंदर अपडेट करने के बाद भी इनेबल नहीं हो रहा। अब जो बात करते हैं कि ये फीचर अपने फ़ोन के ऊपर कैसे इनेबल कर लेना है, मतलब अगर आपके फोन के ऊपर जो अपडेट आया है और अपडेट के अंदर जो ये फीचर इनेबल नहीं हुआ, यानी कि कुछ फोन्स के अंदर इनेबल हुआ है बट आपके फोन के अंदर नहीं हुआ, तो कैसे इनेबल करना है। अगर गाइज आपको कंपनी की तरफ से ही ये अपडेट के अंदर नहीं मिला तो आप इसे इनेबल नहीं कर सकते, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर जो MIUI 12.5.4.0 वाला अपडेट जो रन कर रहा है। और गाइज मैं जो ये वीडियो नहीं बनाने वाला था बट यार काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए जो यार बार बार उनको रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक स्पेशली वीडियो बना कर दे दूं। तो गाइज चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट तो गाइज यहां पर जो अपडेट जो मैंने फुल रिकवरी रोम से किया है, तो गाइज आप लोगों ने OTA से किया होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इनेबल हो जाएगा। ये तो आप लोग अपने मन से निकाल देना, क्योंकि काफी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि रिकवरी से करने से या फिर OTA करने से ऐसा दिक्कत आती है या फिर नहीं। तो गाइज मुझे भी ये फीचर इनेबल नहीं मिला था बाय डिफॉल्ट, तो आप लोगों को क्या करना है मैं सिंपली बता देता हूं। आप लोगों को सिंपली जो एप्स के अंदर चले जाना है अपडेट करने के बाद, देन अपने मैनेज एप्स के अंदर चले जाना है। जैसे आप यहां पर आ जाते हो, सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को ऊपर से जो है यहां पर देख सकते हैं हाइड सिस्टम ऐप्स है यहां पर लिखा हुआ, तो यहां पर जो अगर आप लोगों का शो सिस्टम ऐप्स इनेबल होगा तभी जो है यहां पर हाइड वाला ऑप्शन आ जाएगा। शो सिस्टम ऐप्स को आपको क्लिक कर देना है, देन यहां पर देख सकते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड का यहां पर जो मतलब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐप देखने को मिल जाता है जिसका वर्जन भी आप लोग देख सकते हैं 4.2.0.0 देखने को मिल जाता है मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर। तो यह भी बता देता हूं, नहीं तो बाद में आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो आप जो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, सिंपली जो इसके क्लियर ऑल डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लियर ऑल डेटा हो जाता है आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपका काम हो चुका है। इतना करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। एक बार जो आप लोग सिक्योरिटी ऐप्स का भी यहाँ पर जो डेटा या फिर कैचे वगैरह सब कुछ जो क्लियर कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने किया है। अब जो यार आप लोगों को लास्ट क्या करना है, यहाँ पर एक बार जो सेटिंग ऐप्स का भी आप लोगों को कैचे या फिर डेटा आप लोगों को क्लियर कर लेना है। इतना काम करने के बाद जो आप लोगों को सिंपली जो अपने फ़ोन को एक बार जो यहाँ से रिबूट के ऊपर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। इतना करने के बाद गाइज आपका काम हो चुका है, आपके फ़ोन के अंदर जो है वो जो बैटरी परफॉर्मेंस मोड वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर जाने के बाद ये जो फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर फिर भी इतना करने के बावजूद भी यहाँ पर इनेबल नहीं होता तो आप लोगों को क्या करना है। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी लोग बाद में पूछेंगे सिक्योरिटी ऐप्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका वर्जन 6.1.0 आगे कुछ समथिंग लिखा है। तो ये जो यार यहाँ पर आप लोग मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी जो यार ये जो डिफ़ॉल्ट ये के ऊपर भी इनेबल हो जाता है। अब जो लास्ट की यहाँ पर इनेबल फिर भी नहीं होता तो क्या करना है, तो गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोगों को सिंपली अबाउट फोन के अंदर चले जाना है। आप जिस किसी भी वर्जन के होंगे, जैसे कि MIUI 12.5.4.0 के ऊपर मैं जो नोट 9 प्रो के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन के अंदर यही सेम वर्जन रन करना है अपने Redmi Note 9 Pro के ऊपर, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों की सेम यही जो फाइल रिकवरी फाइल फिर से फ्लैश होना शुरू हो जाएगी। पहले वो डाउनलोड करेगी जो कि अराउंड 2.5 GB के आसपास कुछ होगी, तो वो जो डाउनलोड हो जाएगी देन अपने आप जो वो फ्लैश हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को ओके फिर नेक्स्ट या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि यार नॉर्मल सी बात है, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन जो है यार यहाँ पर लगभग अच्छा होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास जो है लगभग 3 GB डेटा यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से उसे अपडेट कर सकते। अपडेट करने के बाद जो ऑटोमेटिकली सेम यही वर्जन आपके फ़ोन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। और यहाँ पर गाइज अगर आप लोगों को डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज के ऊपर कुछ भी यहाँ पर एरर आ रहा है अपडेट कर डाउनलोड करते वक्त, तो थोड़े टाइम बाद चेक करना है, क्योंकि कभी कभार वो जो शो नहीं करता
इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अपडेट करने के बाद जो आप लोगों को रेगुलर अपडेट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, या फिर आप लोगों का डेटा भी यहाँ पर इरेज नहीं होने वाला। नॉर्मल सी ये जो OTA की तरह अपडेट होता है, सिर्फ यहाँ पर फुल रोम से अपडेट हो जाता है, जिसके अंदर जो यार सभी फीचर इनेबल हो जाते हैं, जो भी मिस आउट देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, बस इस तरीके से यार आप अपने फ़ोन के ऊपर जो है इस बैटरी परफॉर्मेंस वाले मोड को इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों का सब कुछ जो डाउट क्लियर हुए होंगे और आप भी अपने फ़ोन के ऊपर जो है बैटरी परफॉर्मेंस मोड अब जो यूज़ कर सकोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।